हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी ब्यूटी टिप्स में बताने वाली हूँ कि कैसे पतले बालों को बाउंसी बनाएं। उसके लिए मैंने लिया है ये फिलिप्स हेयर ड्रायर, राउंड ब्रश, सिंपल कॉम, कुछ क्लचर्स, और अगर आपके पास हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये हेयर सीरम है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ हबीब का। बाकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बाउंसी हेयर के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ दोस्तों। तो अगर आपके बाल गीले हैं तो आप सीरम, हेयर सीरम लगा लें, और मेरे बाल अभी सूखे हैं तो सूखे में भी लगा सकते हैं। ये देखिए, मैं बता रही हूँ आपको, हेयर सीरम ले लें, इसे अच्छे से मिक्स कर लें, इसे पहले टिप में, फिर मिडिल में, और फिर रूट्स में अच्छे से मिक्स कर ले, लगा दे। और हेयर सीरम लगाने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर ले। अच्छी तरह से लगाने के बाद अपने बालों को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लिप करना है, उससे जो वॉल्यूम है बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए कि ऐसे कर लें और अच्छे से हेयर को कॉम कर लें अपोजिट डायरेक्शन में। फिर उसके बाद हेयर ड्रायर में 3 स्पीड रहता है, लो, मीडियम, हाई, तो मीडियम स्पीड पे रखें और हेयर ड्रायर को ब्लो करना है और अपोजिट डायरेक्शन में करना है, उससे जो है वॉल्यूम अच्छा आता है बालों में। ये देखिए, अब बालों को फ्लिप कर दें। ये देखिए वॉल्यूम आ गया है बालों में, अच्छा। अब अपने बालों को बीच से डिवाइड कर दें दोनों तरफ से। ये देखिए, दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया है मैंने। अब राउंड ब्रश का इस्तेमाल करना है, तो पहले थोड़े से ये हेयर को इधर पकड़ लेंगे और ये वाले बाकी को पीछे कर देंगे, और क्लचर जो है लगा दे ताकि पीछे के बाल आगे नहीं आए। ये देखिए, इसे इस तरह राउंड कर ले और मीडियम स्पीड पे ब्लो करना है। ये देखिए, इस तरह राउंड करके ही इसे इस तरह करें। ये देखिए, अब इस साइड के भी बाल कर लेंगे, बाकी के बाल पीछे। ये देखिए, अब उसी तरह पीछे के भी बालों को कर लेंगे। ये जो है पीछे के भी बालों को
ये देखिए मैंने सारे बालों को सेट कर लिया है। अब इस तरह से फ्लिप कर ले और फिर से ऐसे फ्लिप कर लेंगे। मैं जो हूँ इस डायरेक्शन में हेयर कॉम्ब करती हूँ, इसीलिए अभी इस डायरेक्शन में हेयर को करें। ये देखिए हेयर जो है काफ़ी वो मेरा बाउंसी हो गया है, जिसमें काफ़ी वॉल्यूम आ गया। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। बाय।